महज 17 साल की आफरीन की मौत कैसे हुई? कौन है इसके जिम्मेदार? खुदकुशी या कत्ल? बेलगाम जिला चिकोड़ी तालुका हीरेकुड़ी के मोरारजी हॉस्टल रात 2:30 बजे पहली मंजिल से गिरने की वजह क्या हो सकती है? आइए देखते हैं इत्तेहाद न्यूज के आज के क्राइम स्टोरीज में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जिंदगी यकीनन अल्लाह की नियामत है, मौत एक सच्चाई है। कुरान मजीद कहता है कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। पिछले कुछ अरसे से हादसात, वारदातें और कत्ल के मामलों में अचानक इजाफा होता जा रहा। आखिर इंसान को जिस काम के लिए दुनिया में भेजा गया था अब अपने मकसद से ही हटता नजर आ रहा है। वाकई खुदा की कुदरत पर महज एक नजर भी डालते हैं तो उसकी कुदरत का अंदाजा आ जाता है। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि किसी भी इंसान की मौत एक सबक होती है जिंदों के लिए, और जब मौत सवाल खड़े करने लगती है तो अतराफ के लोगों पर भी सवाल उठना लाजिम हो जाता है। खैर आज बात करते हैं चिकोड़ी के करीब हीरेकुड़ी हॉस्टल में हुई एक दर्दनाक वारदात की। यकीनन कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर तालीम देकर उनकी जिंदगियों को आरास्ता करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई भी सोच नहीं सकता। कोई भी कितने भी रिश्ते हो लेकिन सच्चा रिश्ता माँ और बाप का ही होता है, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में वालिदैन ही एक ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की आबाद जिंदगियों को देखते हुए सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। लिहाजा आफरीन अशफाक जमादार जो गोकाक शिंदी कुर्बट के रहने वाले हैं, इन्होंने आफरीन की बेहतर तालीम के लिए हॉस्टल में रखा ताकि उसी जगह अच्छी तालीम हासिल कर सके। और 21 तारीख की सुबह वालिदैन ने आफरीन को हीरेकुड़ी के मोरारजी देसाई हॉस्टल में छोड़कर वो चले गए। आफरीन भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई क्योंकि दूसरे दिन इम्तिहान थे। लेकिन किसी को क्या मालूम कि आफरीन को जिंदगी के आखिरी इम्तिहान से होकर गुजरना है। रात अचानक 2:30 बजे हॉस्टल की पहली मंजिल से आफरीन के गिरने की मौत आती है। आफरीन हॉस्टल की पहली मंजिल से गिर जाती है और उसकी मौत उसी में वाकई हो जाती है। वालिदैन को मालूम नहीं कि सुबह ही हॉस्टल में छोड़कर आई हुई आफरीन की जिंदगी की शमा अब बुझ चुकी है। हॉस्टल के लोगों ने आफरीन को अस्पताल पहुंचाया पर तब तक आफरीन खामोश हो चुकी थी। वालिदैन को सुबह बताएगा। वालिद अशफाक जमादार ने मौत पर सवाल उठाए। अगर आफरीन रात 2:30 बजे पहली मंजिल से गिरी थी तो मौत तक कैसे पहुंची? जख्मी हो सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर गिरी थी तो फौरन इत्तला क्यों नहीं दी? गिरने के बाद कान और सर से खून बह रहा था, सर के पीछे शदीद जख्म भी देखा जा रहा था, गहरा जख्म था। लिहाजा आफरीन की मौत पर सवाल उठते देखने को मिल रहा है। इसकी तफ्तीश जरूरी है, ऐसा इनके घर वालों का कहना है। लिहाजा आप मुरारजी हॉस्टल की इमारत को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है। आखिर किसकी गलती है? क्या वाकई आफरीन ने खुदकुशी की है या ये मौत भी किसी साजिश का हिस्सा है? आखिर इतने बड़े हॉस्टल में जहां खासकर लड़कियां ही पढ़ती हैं, ऐसे हॉस्टल में सीसीटीवी क्यों नहीं बिठाएगा? जबकि हुकूमत की जानिब से तो हर जगह पर सीसीटीवी बिठाने की सख्ती की जाती है। पुलिस महकमा और दीगर अफसरान गली मोहल्ले में भी सीसीटीवी बिठाने की बात करते। सीसीटीवी पर सवाल पूछने के बाद जवाब दिया जाता है कि सीसीटीवी मरम्मत के लिए निकाले गए थे। क्या आयन मौत के वक्त या आफरीन के इस हादसे के वक्त ही सीसीटीवी की मरम्मत जरूरी थी? लिहाजा आफरीन की मौत भी शक के दायरे में नजर आ रही है। वहां के जिम्मेदारान से अगर गलती हुई है तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि हर फर्द के कई रिश्ते होते हैं। आफरीन किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। महज 17 साल की आफरीन की मौत दिल दहला देने वाली जरूर है। हमने पहले भी कहा है कि मौत से जिंदगी जरूर खत्म हो जाती है पर जिंदों के लिए इबरत भी तो छोड़ जाती है। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की जहनी कैफियत को समझे, अपने बच्चों से बार बार राबता कर खैर खैरियत दरियाफ्त करे। क्या हॉस्टल में वाकई सब कुछ ठीक ठाक था या नहीं, इसके भी तफसीलात वालिदैन को पूछते रहने चाहिए थे। आफरीन की सहेलियों से भी पूछताछ जरूरी है। हॉस्टल के जिम्मेदारान की तफ्तीश इंतहाई जरूरी है क्योंकि किसी की बेटी जान बहक हो चुकी है। आफरीन दोबारा लौट कर तो नहीं आती, लेकिन किसी और आफरीन की मौत इस तरह ना हो इसका ख्याल जरूर किया जा सकता है। बेलगाम जिले में कई हॉस्टल हैं, इनकी तफ्तीश भी होनी जरूरी है। यहाँ के महकमा पर नजर और खासकर सीसीटीवी के अफसरान भी नजर में होने चाहिए। अपने बच्चों की पढ़ाई के खातिर वालिदैन दिल पर पत्थर रखकर इन्हें भेज देते, वरना तो इस छोटी सी जिंदगी में कौन अपने जिगरगोशों को अपने से दूर करके पढ़ाई के लिए भेजता है? खवातीनों को लेकर बातें तो बहुत की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे महज कागज पर ही देखने को मिलते हैं।
क्योंकि रोजाना कहीं ना कहीं एक आफरीन मौत की आगोश में जरूर चली जा रही है। हो सकता है कि मामला खुदकुशी का ही हो, पर तफ्तीश तो जरूरी है। देर रात तक पढ़ाई करने वाली आफरीन की मौत अचानक कैसे हो जाती है, कैसे अचानक इसे चक्कर आने लगते हैं, कई सवालात पीछे छोड़ जरूर गई है, सवालात उठते जरूर हैं, पर कुछ रसूख वालों की ताकत भी ऐसे सवालात को दबा देती है, पर बेगुनाहों की चीखें दबने से नहीं दबती। वक्त जरूर लगता है। आफरीन को रस्म रिवाज के तहत दफन जरूर किया गया, अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो सच्चाई जमीन को चीर कर बाहर आएगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। निन्ने बेळग्गे सिंधी कुर्बट दिंद नम हुडुगिन नम तंगिन होगे चिक्कोडि मुरारजी देसाय स्कूल नल्लि बिट्टु बंदिद्दु रि आफरीन जमादार आफरीन अश्पाक जमादार नम तंगी रि सिंधी कुर्बट मुंजाने होगे बिट्टु बंदिव रि सर मुंजाने 9:30 आगित्तु रि ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಮನ್ ಅದು ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅನಾತ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾರು ಹೊಳೆ ಬಂದರ್ರಿ ಬಂದ ಕೂಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ನಿನ್ನೆ 2:30 ಬಿದ್ದಾಳ್ತಾರ್ರಿ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಚಕ್ರ ಬಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಳ ಮತ್ತು ಬರ್ರಿ ದವಾಖಾನೆಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಕಿದೆವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾರ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಳ್ರಿ 2:30 ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ರೀ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 6:30 ಬಂದ ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದರು ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ರೀ ಕೇಳಿದ್ರು ರೀ ಅವರು ಕಿಲಿ ಹಾಕಿರ್ರಿ ಕಿಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಕೇಳಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ರೀ ನಾ ತಮ್ಮ ಅನ್ನಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಕಿಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದ್ರಿ ರೀ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿನಿ ರೀ ಹುಡುಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ಡೆತ್ ಆಗಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಲಗುಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ರೀ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಾಂ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ರೀ ಈಗ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕೈತಿ ರೀ ಹಾಂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ಬೇಕಿರಲ್ಲ ತಲೆ ಹೊಡೆದೈತಿ ರೀ ಕಿವ್ಯಾಗ ರಗದ ಬರತೈತಿ ರೀ ಕೈ ಕೆತ್ತೈತಿ ರೀ ಇಟ್ಟು ಭಾಳ ಪೆಟ್ಟೈತಿ ರೀ ಅದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡವ್ರು ಹಾಂ ಅನುಮಾನ ಐತಿ ರೀ ಅನುಮಾನ ಐತಿ ರೀ ಚಕ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು 10 ಪೈರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂತ್ರ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೈತಿ ರೀ ತಲೆಗೆ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ರಗತ್ ಬರತೈತಿ ರೀ ಫುಲ್ ತುಂಬೈತಿ ರೀ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ರಗತ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಹಿಂದ ಕೈ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿನಿ ರೀ ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಾರರು ಹೇಳ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಯಾರು 2:30 ಹೇಳ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು ರೀ ಮುಂದೆ ಆ ಡೆತ್ ಆಗಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗದ್ ಹೋಗಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಾರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಖರಿಕನು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಿರಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವ್ರಿ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲಿಕ್ ಜಾನ್ರಿ.